हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरियन। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और हम जानते हैं कि इसमें जो है आपको पोर देखने को मिल जाएंगे, है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर में आपको पोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, और बीच बीच में मैं जगह छोड़ रहा हूँ, वो इंडिकेट कर रहा है आपके न्यूक्लियर पोर्स को। ओके, ये इस टाइप से। अब ये जो दो मेम्ब्रेन है, मतलब ये वाली आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वाली हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिला के एक वर्ड से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोथीका। क्या बोलते हैं? कैरियोथीका, ठीक है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जो बीच में दिख रहा है ये है न्यूक्लियर पोर। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर जो है न्यूक्लियस में, अगर इनका नंबर देखा जाए तो ये 1000 से लेके 10000 तक हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो शेप होता है वो ऑक्टेगोनल होता है। न्यूक्लियर पोर का जो शेप होता है वो ऑक्टेगोनल होता है और इसका डायमीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली 800 एमस्ट्रॉन्ग इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पर आपको जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर मिलता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं वो वाले यहाँ पे एंजाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। और साथ में इन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए डायवेलेंट आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर डायवेलेंट आयंस भी मिलते हैं। डायवेलेंट आयंस मतलब जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साथ में इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, या फिर ट्रांसफर आरएनए, या तो फिर राइबोसोमल आरएनए भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में यहाँ पर ऐसा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर्स भी इसको बोलते हैं, ओके। साथ में यहाँ पर एक ऐसा डार्क कलर की बॉडी मिलती है, ऐसा स्टेन, है ना। ये जो डार्क कलर की बॉडी है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो निकलता है वो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन से निकलता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे इस टाइप से, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक एक स्ट्रक्चर की, मतलब पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की या न्यूक्लियर पोर की, दूसरा बात करेंगे न्यूक्लियोप्लास्म की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम न्यूक्लियोलस की, ठीक है। फिर हम क्रोमैटिन को भी समझ लेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर पोर की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर पोर को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं जैसे ये आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया और यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये वाली मान लीजिए आप आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, लास्ट डायग्राम में हमने बनाया है। अब ये जो है बीच में यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियर पोर है, तो ये ऑक्टेगोनल शेप का होता है, ठीक है, और इसका टोटल जो डायमीटर होता है वो 800 होता है।
अब इसके अंदर में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसके अंदर आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ये प्रोटीन्स जो है ये ऐसे ट्यूब लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि यहाँ पर ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस टाइप से ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आपके न्यूक्लियर पोर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, दीज आर नथिंग बट दे आर द प्रोटीन। और फिर ये बीच में यहाँ पर पोर है, एक्चुअली में ये गड्ढा है, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जाते हैं। तो टोटल डायमीटर जो है वो 800 एमस्ट्रॉन्ग का है, लेकिन जो ये ओपनिंग साइज है, ये ओपनिंग साइज 500 एमस्ट्रॉन्ग का है, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का डायमीटर कितना है, 500 एमस्ट्रॉन्ग। ये आपका प्रोटीन है, ठीक है। साथ में ये जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है इसी को हम बोलते हैं एनुलस, इसी को हम बोलते हैं एनुलस। ये प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पर, ये अंदर साइड में, यहाँ पर जो है फाइब्रल लेमिना प्रेजेंट होता है। ये फाइब्रल लेमिना जो स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो है सपोर्ट करते हैं इनर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये आपका रिच इन एंजाइम होता है, मतलब इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें या आरएनए रेप्लिकेशन की बात करें, दोनों के लिए यहाँ पर एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। इसका जो पीएच होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट का जो पीएच है वो 7.4 प्लस माइनस 0.2 होता है, मतलब ये 7.2 भी हो सकता है, 7.6 भी हो सकता है। इसमें इन एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए डाइवेलेंट आयन्स लगते हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमको एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है आपका न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, या इसी को न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं, इसी को न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई है ये एक्चुअली में किसी मेम्ब्रेन में बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो देयर इज ए नो मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ आरआरएनए यहाँ पर होता है, मतलब जो राइबोसोमल आरआरएनए जो बनता है वो यहीं पे बनता है, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर भी होता है। तो अगर स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा। तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ना, ये क्रोमेटिन फाइबर्स ही अपने आप को इस टाइप से सर्कुलर स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं, जिसके कारण ये डार्क बॉडी टाइप का हमको दिखता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो मैंने ये बना दिया है इस टाइप से, है ना। तो ये जो एनवेलप्स बने हैं ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, है ना। और यहाँ पे ये जो बीच वाला इसका एरिया होता है, यहाँ पर आपको जो ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं इसको हम बोलते हैं पोर एमोर्फा। क्या बोलते हैं, पोर एमोर्फा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहते हैं, दे कंटेन्स ग्रैनुल्स, इसके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है, ग्रैनुल्स ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के ग्रैनुल्स हमको देखने को मिलते हैं। अब जो ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के हम अंदर जानते हैं कि
राइबोसोम वाला आरएनए होता है, साथ में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम के अंदर राइबोसोम वाला आरएनए और प्रोटीन होता है, उसकी असेंबली भी यहीं पर होती है। तो असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, इनटू राइबोसोमल सब यूनिट, ये भी जो है आपका यहीं पर होता है, राइबोसोमल यूनिट, ये सॉरी सब यूनिट, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आपका, न्यूक्लियस जो होता है इसमें आपकी हेरिडिटरी यूनिट्स होती है। न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटरी यूनिट्स, दीज हेरिडिटरी यूनिट्स आर कॉल्ड एज जीन्स, है ना। और ये जीन्स जो है दे आर अरेंज्ड अलोंग द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्रोमेटिन फाइबर हम बोल रहे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्रोमेटिन असल में होता क्या है, ये क्रोमेटिन डीएनए ही है ना, लेकिन डीएनए का नॉन कॉइल्ड या अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन और कुछ आरएनए इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं, इसको मिला के हम बोलते हैं क्रोमेटिन, लेकिन क्रोमेटिन जो होता है ये नॉन कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे दो तीन वर्ड है, क्रोमोसोम है ना, न्यूक्लियोसोम या आपका क्रोमेटिन, इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इस टाइप से आप क्रोमोसोम देखे होंगे बुक्स में, ये इस टाइप से क्रोमोसोम होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो ये इस टाइप से कॉइल्ड स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। ये जो कॉइलिंग है ये और कुछ नहीं, डीएनए की ही कॉइलिंग है, ठीक है ना। इसको जो है ये क्रोमोसोम है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो बीच में एरिया है जो इनवर्ट की तरह प्रोजेक्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया। अब यहां पर जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये इस टाइप से, है ना। यहां पर बीच में एक ऑक्टेमर स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टेमर स्ट्रक्चर है मतलब आठ, तो ये चार हमको सामने दिख रहे हैं और इसी के पीछे चार सब यूनिट्स और हैं। तो ऐसे एक ऑक्टेमर स्ट्रक्चर के ऊपर आपका डीएनए जो है वो इस टाइप से लपेटा हुआ रहता है, कॉइल्ड रहता है, ठीक है। ये इस टाइप से आठ आठ सब यूनिट्स होते हैं। ये जो सब यूनिट्स है दे आर नथिंग बट दे आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, वो हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए कॉइल्ड होता है और ये ऑक्टेन होते हैं, मतलब कि आठ होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा डीएनए है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप्ड है, इन दोनों को मिला के हम, मतलब ये इतना हिस्सा, ठीक है, इतने हिस्से को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब ये वाला डीएनए का हिस्सा जो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो इस टाइप से हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ सकते हैं, बाकी क्रोमोसोम क्रोमेटिड के ऊपर डिटेल में वीडियो में बाद में बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।